नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस के बारे में। कैसे हमें डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना है कि वीडियो पर व्यूज आ नहीं रहे हैं तो वीडियो कैसे बनेगा। तो जो वीडियो बनेगा आप यही वीडियो देख कर संतोष कीजिए, समझ में आ गया। क्योंकि बढ़िया वीडियो नहीं बनेगा जब चैनल पे वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं बढ़िया वीडियो बना कर क्या करूँगा, प्रैक्टिकल वीडियो बना कर क्या करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने लिक्विड डिटर्जेंट का वीडियो बनाया, अभी 100 व्यूज पार नहीं हुए हैं। तो देखिए, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यह करना है कि आपके अपने क्षेत्र में देखना है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, समझ में आ गया। ऐसा ना हो कि आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है 400-500 किलोमीटर दूरी पर, और आप छोटे पैमाने पर कम पूंजी लगाकर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर 400-500 किलोमीटर की दूरी से अगर आप रॉ मटेरियल लाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल में ही बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, उसका भाड़ा, समझ में आ गया। तो इसीलिए आप अगर बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, रॉ मटेरियल आपके एकदम घर पर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ से आप चाहें तहाँ से रॉ मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000, 1,00,000, 2,00,000 अगर लगा कर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो समझ लीजिए कि आपको रॉ मटेरियल आपके एकदम नज़दीक में मिलना चाहिए, समझ में आ गया। आपके शहर वहर के मार्केट में आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। उसके बाद हो गया, आप अपने मार्केट में पता करिए कि किस क्वालिटी का आपके मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर बिक रहा है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का। ऐसा ना हो कि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर बिक रहा है और आपने बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का बना दिया, तब भी आप फेल हो जाएंगे, समझ में आ गया। और ऐसा ना हो कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का बिक रहा है, अब आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का बना दिए तो आपका रेट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तब भी आपका नहीं बिक पाएगा। तो यह सब आप निरीक्षण कीजिए, वीडियो देखकर कहीं से जानकारी लेकर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपना दिमाग लगाइए, अपने क्षेत्र का पूरा निरीक्षण कीजिए। जिस भी मार्केट में आपको सेल करना है, 100-200 किलोमीटर के एरिया, मतलब जहाँ पर भी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी आपको मार्केट में कवर करना है, माल सेल करना है, आप उन मार्केट में पता कर लीजिए कि कौन सा डिटर्जेंट पाउडर किस क्वालिटी का बिक रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, क्या रेट है, यह सब पता करके तभी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया। हाँ, अगर सैंपल के तौर पर आपको बनाना है तो कोई बात नहीं, आप 10 kg, 20 kg बनाइए, आप दुकान पर ले जाइए, पता करिए कि आपका किस रेट का बिकेगा। लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, और जानकारी क्या होना चाहिए, फार्मूला बनाने का वो तो हो गया, जैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाने का जानकारी आपको होना चाहिए तो सही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मार्केट का जानकारी होना चाहिए, समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। इस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे, 50-60-100 व्यूज आएंगे, तो इसीलिए मैंने भी इस तरीके का वीडियो बनाया है। अब प्रैक्टिकल आपको दिखा कर क्या करना है, प्रैक्टिकल बनाने में एसिडी सैलरी इतना महंगा है, सेलियस लिक्विड इतना महंगा है, उसके बाद सोडा एस इतना महंगा है, सब रॉ मटेरियल इतना महंगा है, बनाकर मैं क्या करूँगा जब आप लोग देखेंगे ही नहीं, तो मेरा पैसा बनाने में खर्च होगा, वीडियो अपलोड करने में खर्च होगा, तो क्या टेंशन है। इसीलिए मैं अपने थ्योरी के हिसाब से आपको बना रहा हूँ, अब इसमें मेरा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल मेरा नहीं खर्च हो रहा है, बहुत होगा तो वीडियो अपलोड करने का खर्च होगा, इतना ही होगा ना। यहीं पर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ तो उसमें पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, और आप लोग देखेंगे नहीं, तो जब आप लोग देखेंगे नहीं तो वीडियो बनेगा नहीं, क्या करना है। नहीं होता है, जैसे कोई बिजनेस बंद करने वाला होता है तो अब धीरे 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 वो बंद होता है, तो उसी तरीके से लग रहा है मेरा चैनल भी धीरे धीरे करके बंद होगा, जब आप लोग देखेंगे ही नहीं। और नहीं तो अब इस चैनल पर मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा कंटेंट अब डालना शुरू करूँ, अब क्लिनिक प्रोडक्ट का कंटेंट नहीं पड़ेगा, जैसे मशीनरी उनरी का मैंने एक पावर टिलर लिया है, उस पर मैं कई वीडियो बनाऊँगा, खेती बाड़ी का वीडियो बनाऊंगा। जब आप लोग देखते ही नहीं है तो क्या करना है। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, समझ में आ गया।
अगर आपको लगता है कि अब आपको इस चैनल पर बहुत बढ़िया जानकारी नहीं मिल रहा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब मत करिए, अनसब्सक्राइब करिए। जैसे आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब करके रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास मैसेज भी नहीं जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि मुझसे मुझे इस चैनल से कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है इस चैनल से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ क्या हाल है इसका। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।